जय श्री श्याम बच्चों, वो जो आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 का बच्चों सेकंड सम है। इसमें बच्चों पहले सम में हमने रूट 5 को पाई में सिद्ध करना सीखा था बच्चों। तो इसमें जो सेकंड सम है उसमें दिया हुआ 3 + √3 + 2√5 के जो है एक रैशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या से हमें प्रूव करना है। तो इस तरह के जितने भी सम आएंगे बच्चों उन सबको एक ही तरीके से करना है। तो इसमें हम करेंगे बच्चों माना 3 + √5 is a rational number, यानी हम मान लेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसे मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं बच्चों, p/q के रूप में ले सकते हैं, where p and q आज को प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस तरह के जितने भी सम आएंगे बच्चों जिसमें कुछ रूट वाली संख्या में कुछ प्लस या माइनस हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे हम रूट वाली संख्या को यहाँ रखे रहने के बाकी सभी संख्याओं के दबे रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम 3 को ले जाएंगे बच्चों, तो 3 + का इधर आके माइनस हो जाएगा। उसके बाद में हम 2 को ले जाएंगे बच्चों, 2 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होगा तो इन दोनों के नीचे लिखा जाएगा बच्चों। इसके बाद में हमारा आ गया √5 = p/2q − 3/2, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये भी संख्या जो है ये भी एक p/q के रूप में है और ये भी p/q के रूप में है, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसे हम भिन्न बना करके लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन बना के लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में तो √5 है और राइट हैंड साइड में एक परिमेय संख्या है, यानी ये भी p/q के रूप में, ये भी p/q के रूप में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि p/2q − 3/2 एक परिमेय संख्या है, जो राइट साइड में आ रहा होता है एक परिमेय संख्या है, लेकिन वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, इसे हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। इस तरह का जो सम आएगा बच्चों, तो यहाँ पर हमें वर्गमूल 5 को प्रूव नहीं करना है, सीधा लिख देना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमने लिखा है तो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और बीच में हम लिख रहे हैं कि ये इक्वल है, तो ये कभी भी संभव नहीं है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से उत्पन्न हुआ है, अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या कल्पना की थी बच्चों हमने, क्या सपोज किया था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से शुरू होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। 3 + √5 is a irrational number। तो इस तरह के जितने भी सम आएंगे बच्चों उसे हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों।